कठोर हेब अर्थ मंत्रालय। चेक बाउंस हेले कटिजिबो अन्य अकाउंटरु टंका। चेक जारी करथिबा व्यक्तिंकु घोषणा करा जाई पारे बैंक डिफॉल्टर। देशरे वृद्धि पाउथिबा चेक बाउंस मामला संख्या कु नै चिंतारे अर्थ मंत्रालय। चेक बाउंस मामला गुडीकर मुकाबिला लागि मंत्रालय पक्षरु एक बड़ योजना प्रस्तुत करा जाईथिबा एक उच्चस्तरीय बैठक रे आलोचना होईछि। एणिकि चेक बाउंस हेले चेक जारी करथिबा व्यक्तिंकु नुआ खाता खोलिबा लागि बारण करिया भली पदक्षेप नेब केन्द्र अर्थ मंत्रालय। यहा छड़ा चेक जारी करथिबा व्यक्तिंक अन्य अकाउंटरु टंका कटिपारे। चेक बाउंस मामला गुडीकु ऋण खिला भली विचार को मध्य नै पारे अर्थ विभाग। वरिष्ठ अधिकारी मानंकु नै होइथिबा एक बैठक रे एभली किछि पदक्षेप ग्रहण करबाकु प्रस्ताव दिया जाइथिबा सूचना मिलिछि। विशेषज्ञक मत एभली पदक्षेप फळरे चेक बाउंस मामला ह्रास पाइबा सह व्यवसायिक क्षेत्र को सुविधा करिवो। वर्तमान बिजनेस प्रोसेस को सहज करिया पई फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसीजन नौचि जे जदि चेक बाउंस कला प्रथमे तार जदि अन्य अकाउंट रे पैसा अछि से पैसा ऑनर करा जाय पारिवो। द्वितीय कथा होची जे ताकु गोटे बैंक लोन डिफॉल्ट हिसाब रे ट्रीट करा जिवो। तृतीय होची जे ता उपरे आहुरी कठोर रु कठोर पदक्षेप निया जिवो जहाँ द्वारा जो लिटिगेशन कोर्ट मानक विभिन्न पर्यायर अच्छी एवं प्राय 35 लाख पोस्ट जो चेक बाउंस केस अच्छी सेगुड़िकर समाधान करा जाय पारिवो। एवं थरे जे चेक देला से सीरियस होगा पड़ो जे यही चेक को अनर करने बैंक अकाउंट रे पैसा रखा पड़ो एवं सफिसीयंट स्कोप रखा पड़ो जे कौन सी समय यहाँ बाउंस न करूँ एवं यही पदक्षेप निश्चय स्वागत योग्य एवं यहीटा बिजनेस प्रोसेस को आहुजी आहुरी सहज सुगम एवं सरल करा जाय पारिबो। वर्तमान प्रचलित थिबा नियम अनुसार चेक बाउंस मामला को दंडनीय अपराध भाव में विचार करा जाउची। एथिरे दोषी को बाउंस होइतिबा चेक रो 2 गुणा मूल्य को जोरिमाना भाव देबा किंबा सर्वाधिक 2 वर्ष पर्यंत जेल किंबा उभय दंड भोगिबा व्यवस्था रहिछि। सारा देश में 35 लाख रु अधिक चेक बाउंस मामला रही। कठोर दंडर व्यवस्था फल कोर्ट को जाउथिबा चेक बाउंस मामला संख्या ह्रास पाइबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।